हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट कंडेंस मिल्क, वो भी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स से। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनना है। तो इसके लिए हमें पैन गरम करना है। तो ये गरम हो चुका है, इसमें हम 1 कप मिल्क डालेंगे। तो इसमें मैं 1 कप फुल क्रीम मिल्क डाल देती हूँ एंड 1/2 कप शुगर डाल देंगे। तो शुगर डाल दी और अभी हमें इसको मिक्स करना है। तो इसको मैं मिक्स करती हूँ और शुगर जब मेल्ट हो जाएंगी तो फिर मिलते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आँच मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी और लो भी नहीं रखनी। तो इसको मिक्स कर लेती हूँ और अभी ये देखिए फ्रेंड्स, शुगर इसमें मेल्ट हो चुकी है और ये थोड़ा ठीक भी लग रहा है, इसका कलर थोड़ा येलो येलो हो गया है। एंड इसको अभी हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है वरना ये जल सकता है। तो इसको देख सकते हैं आप किस तरीके से कंसिस्टेंसी है इसकी। उसको साइड से भी जो आ रहा है इसको भी निकाल कर और फिर मिल्क में ऐड करना। तो अभी इसको सिलिकॉन स्पैचुला ही यूज़ करना है इसमें और इसको अभी हम 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट बाद कुछ ऐसा लग रहा है, ये ठीक हो चुका है अच्छा, बट हम इसको और 2 मिनट पकाना है। तो इसको इस तरीके से जो लम्ब्स दिख रहा है इसको हमें हटा लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। तो ये साइड से लेते हुए पूरा इस तरीके से इसको मिक्स करना है अच्छे से, ताकि ये पूरा स्मूथ हो, कोई लम्ब्स ना हो इसमें। तो इसको 2 मिनट और पका लेते हैं। तो 2 मिनट बाद देखिए ये पूरा तैयार है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है और ये थोड़ा ठंडा होकर भी ठीक होता है। तो इस स्टेज पर हमें गैस बंद करके इसको गैस पर से उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने गैस पर से उतार लिया है एंड आप देख सकते हो कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी, देखिए। तो ये इसको हमें और अच्छे से मिक्स करना है ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। देखिए इसको इस तरीके से मिक्स करना है और फिर फ्रेंड्स ये ठंडा हो गया है और इसको एक कंटेनर में हमें फिल कर देना है स्पून से। तो ये स्पून से हम इसको फिल कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, बिल्कुल मार्केट जैसी। और इसको हम कंटेनर में पोर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में हम मिठाई मेड मिल्क मेड लेने जाते ऐसा ही सेम कंसिस्टेंसी आया है। तो इसको मैं फिल कर लेती हूँ पूरा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क तैयार है और इसको आप इस फ्रिज में 1 वीक तक के स्टोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।